जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस के समर्थन से वो राज्य में सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण से पहले जनता दल सेकुलर विधायक दल के नेता एचडी कुमार स्वामी ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। कुमार स्वामी शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले चामुंडेश्वरी देवी का आशीर्वाद लेने के लिए अपनी पत्नी अनीता के साथ बेंगलुरु से पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। कुमार स्वामी ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में अनुष्ठान व वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अपनी पारिवारिक देवी की पूजा अर्चना की। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर मौजूद रहे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और मायावती भी मौजूद रही। एचडी कुमार स्वामी ने बुधवार को कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ कांग्रेस के जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुमार स्वामी ने शपथ ग्रहण में 2019 के लोकसभा चुनाव के संभावित मोदी विरोधी मोर्चे की तस्वीर भी नजर आई। एक मंच पर 11 दलों के प्रमुख मौजूद थे। कांग्रेस समेत इन दलों के पास अभी लोकसभा में 132 सीटें हैं। यह आंकड़ा भाजपा के मौजूदा 272 लोकसभा का 48% है। अगर 2019 में ये सभी दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे के वोट नहीं काटते तो इनकी सीटों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बहरहाल कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण में सोनिया गांधी ज्यादातर वक्त मायावती और ममता बनर्जी के साथ नजर आई। वहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और चंद्रबाबू नायडू के साथ नजर आए। शपथ ग्रहण में कुमार स्वामी और परमेश्वर के अलावा सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव के बाद मंच पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव नजर आए। थोड़ी देर बाद मायावती भी पहुंची। अखिलेश ने मायावती का अभिवादन किया। दोनों को मंच पर आसपास ही बैठाया गया। कुछ देर बाद शरद यादव बाकी नेताओं से मिलते हुए नजर आए। सोनिया और राहुल गांधी जैसे ही मंच पर पहुंचे उन्होंने मायावती से मुलाकात की। मायावती ने बहुत देर तक सोनिया का हाथ थामे रखा और बातचीत करती रही। इसके बाद राहुल अखिलेश से मिले और अपनी जगह लौट आए। शपथ ग्रहण होते ही कुमार स्वामी ने सभी दलों के नेताओं से मंच पर आगे आने को कहा। इसी दौरान माकपा प्रमुख सीताराम येचुरी गर्म जोशी से कुमार स्वामी से मिले। इसी बीच अखिलेश ममता बनर्जी से मिले। इसके बाद ममता ने कुमार स्वामी को गुलदस्ता दिया। भाकपा नेता डी राजा ने तेजस्वी से मुलाकात की। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस जेडीएस के बीच मंत्रिमंडल को लेकर 20-12 फार्मूला पर सहमति बनी है, यानी 34 मंत्रियों में से 32 कांग्रेस के होंगे और 12 जेडीएस के। इनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। विभागों का बंटवारा बहुमत साबित करने के बाद होगा। ರಾಮ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅರಗಾಳಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಮುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ